हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से रोहित कर ब्लॉग में। आज मैं आपको रेलवे से रिलेटेड एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, चलिए बताते हैं। तो ये है भाई ग्लूड जॉइंट, ये एक दूसरे को डिस्कनेक्टेड है, जिसके थ्रू सिग्नल्स वगैरह सारा काम करते हैं। इसका नाम है G3L ग्लूड। इसका मतलब होता है 3 बोल्ट्स इस तरफ और 3 बोल्ट इस तरफ, और 1 मीटर का इसका फिश प्लेट होता है। इस लोहे के टुकड़े को फिश प्लेट बोला जाता है, जो 2 लगे होते हैं। तो इसको रिकंडीशनिंग करना है, मतलब रिपेयर करना है। तो कैसे करना है उस चीज़ को अब आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये दोनों कनेक्टेड हो चुके हैं, जिस वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं आगे। ये अभी जितने बोल्ट्स हैं इनको खोला जाएगा। ये स्पैनर देख पा रहे होंगे, काफ़ी लंबा है लेंथ, क्योंकि ये बहुत टाइट कसा हुआ रहता है। ये मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली पूरा हर चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक जो रेलवे से रिलेटेड आदमी नहीं है उनको समझ में आएगा क्या हो रहा है ये। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लगभग सारे बोल्ट खुल गए हैं, आप वीडियो पे बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। देख रहे हैं ये बोल्ट, ये इंसुलेटेड बूस्ट भी है इसमें, और ये जो बोल्ट है HTS बोल्ट। हाँ, HTS बोल्ट है ये। तो इसको फिट करते हैं, लगभग ये खुल चुका है, इसको निकालेंगे और एडहेसिव वगैरह जो लगाना पड़ता है उसको भी लगाएंगे। ग्लूड जॉइंट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड जॉइंट होता है, और ये इसका जनरली जो है सो इंसुलेटिंग मटेरियल्स टूट जाते हैं रनिंग के दौरान या पैकिंग लूज वगैरह होने के कारण, तो इसको रीफैब्रिकेट करते हैं। तो अभी प्रोसेस चल रहा है। इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो देखिए बता रहे हैं, तो बोल्ट लगे होते हैं, HTS होते हैं, हाई टेंशन इंसुलेटिंग बोल्ट्स होते हैं, और इसमें एक ये जो है स्लिप्स इसको बोलते हैं, या इसको हम बूश बोलते हैं, बूश इंसुलेटिंग बूश होता है, और इसमें एक फर्स्ट वाशर लगा होता है, ये भी इंसुलेटेड होता है। एक्चुअली इसको हमेशा इस तरह से लगाना है, शॉर्ट ना करें, प्रकार का ग्लूड वगैरह लगा करके, और इसको क्रॉसिंग्स को टेस्ट करके बनाया जाता है। ये यूज़ किया जाएगा, ये 2 लेयर लगेंगे लंबा करके। इसमें भी देखिए ये सेल किया हुआ है, और ये इसमें फिट बैठेगा। अभी लगाया जाएगा तो देखेंगे। और ये प्लेट है, प्लेन प्लेट है। तो ये थी जानकारी। आप बाकी आप फिटिंग्स होते हुए वीडियो को एंजॉय करें। इस पूरे प्रोसेस को होने में लगभग आधे घंटे लगते हैं, और हमने 45 मिनट्स का ब्लॉक लिया हुआ है, क्योंकि ये ऑन ट्रैक आप देख पा रहे होंगे, ऑन ट्रैक काम हो रहा है। तो इस दौरान ब्लॉक लिया गया है ताकि 45 मिनट्स तक इस ट्रैक पे कोई गाड़ी नहीं आएगी। तो देखिए, इंजॉय द व्यू। ये एडहेसिव लगाया जा रहा है, इसमें रेजिन और हार्डनर मिला हुआ है जो चिपक जाएगा। फिर ये दोनों रेडी हो गए हैं, और उधर भी रगड़ने का और घिसने का जो काम था, और आप
सब हो चुका है, अब फिटिंग्स करते हुए आपको दिखाते हैं। दोनों साइड से पेड़ को बिठा दिया गया है। चक्का जो चलेगा हाथ करके सर यही दूर है, इससे तो कुछ मतलब नहीं है सर। होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम पहले पहला रुका लेकर ये लगभग अब फिटिंग्स कंप्लीट है, रिकंडीशनिंग ऑफ ग्लूट जॉइंट। अब ये फाइनल टच हो रहा है, बोल्ट्स को टाइट किया जा रहा है। तो देखकर फाइनली लास्ट में आपको दिखाते हैं। तो अब वो जो आप मशीन देख रहे हैं उससे इसका रेजिस्टेंस चेक किया जाएगा। उस मशीन का नाम मेगर है। तो ये किस तरह से ताकि कहीं से भी कोई शॉर्ट ना हो, तो ये देखा जा रहा है। तो ये साधारण सा प्रोसेस है, अगर ये शॉर्ट करेगा तो इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमारा सब काम बेहतर हुआ है। तो यही है ग्लूट जॉइंट। होप वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।